नमस्कार दोस्तों, मैं सपन प्रधान बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल डीसी टू डीसी सप्लाई कैसे बनाया जाए। ये जो यूनिवर्सल ड्राइवर सर्किट है, ये देखिए, गौर से देखिए, इसमें कैसे VGL, VGH, AVDD, 3.3 वोल्ट कंप्लीट जो डीसी टू डीसी सप्लाई कैसे बनाया जाए, उसका बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि आपका कोई वर्कशॉप गांव का अंदर में है, उधर सामान ज़्यादा नहीं मिलता है, आपका पास डीसी टू डीसी आईसी नहीं है, एक्स्ट्रा स्क्लर बोर्ड नहीं है, एक्स्ट्रा बूस्ट अप सर्किट भी आपका पास नहीं है, उस टाइम पे आप कैसे काम कर पाएंगे, और उसके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि आपका कोई काम पे आए, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो इस सर्किट से कंप्लीट डीसी टू डीसी सप्लाई बनाया जाए। तो डीसी टू डीसी आईसी ख़राब होगा तो चारों सप्लाई देना पड़ता है। जो 12 वोल्ट का पैनल है उसमें एक 3.3 वोल्ट, दो AVDD, तीन VGH, चार VGL, ये चारों सप्लाई जरूरत होता है। तो मैंने ये चारों सप्लाई कंप्लीट बनाया है। पहले जो वीडियो शेयर किया है उसमें AVDD और VGH सप्लाई मैंने बनाया है, और आज जो वीडियो बना रहा हूँ 3.3 वोल्ट कैसे और VGL कैसे बनाया है उसका बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा वीडियो अंत तक देखिए, आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज मिलेगा और आप लोग सही से काम कर पाएंगे। तो मेरा वीडियो को देखते रहिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है, चलिए कैसे VGL और 3.3 वोल्ट बनाया जाए और कंप्लीट डीसी टू डीसी सप्लाई कैसे बनाया जाए उसका बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक यूनिवर्सल ड्राइवर सर्किट ले लिया है, उसमें कैसे AVDD, VGH, VGL, 3.3 वोल्ट बनाया जाए उसका बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें AVDD और VGH के लिए जो सर्किट बनाया है उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आज मैं जो बना रहा हूँ VGL और 3.3 वोल्ट, ये जो सर्किट है सिर्फ 12 वोल्ट का पैनल में यूज कर सकते हैं। इसमें 5 वोल्ट देने से ये जो स्विचिंग आईसी है वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, तो इसमें सिर्फ 12 वोल्ट इन कर सकते हैं, सिर्फ 12 वोल्ट का पैनल में यूज कर सकते हैं। तो 12 वोल्ट पैनल में क्या होता है, जो 3.3 वोल्ट आउटपुट होता है वो सिर्फ डीसी टू डीसी आईसी से आउटपुट होते हैं। तो आपका डीसी टू डीसी आईसी ख़राब है तो ओपन करना पड़ता है। ओपन करने से क्या होता है, 3.3 वोल्ट तो आउटपुट नहीं होगा, तो इसलिए 3.3 वोल्ट के लिए एक बाक कन्वर्टर सर्किट भी यूज कर सकते हैं, जो कि 3.3 वोल्ट तो देना पड़ेगा, जो टिकॉन प्रोसेसर के लिए जो 3.3 वोल्ट जा रहा है उसके लिए तो 3.3 वोल्ट देना पड़ेगा। तो ये जो बाक कन्वर्टर है वो भी यूज कर सकते हैं। और 3.3 वोल्ट जो इधर जो EN सप्लाई है, BL ऑन ऑफ के लिए EN सप्लाई है, वो 3.3 वोल्ट से भी इधर दे सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है EN सप्लाई के लिए, मैंने जो 12 वोल्ट से मैंने कनेक्ट किया है 10 के रेजिस्टेंस, वो ओपन करके इधर से एक 3.3 वोल्ट डायरेक्ट इधर जम्पर कर सकते हैं, और 3.3 वोल्ट भी आउटपुट ले सकते हैं। और VGH कैसे बनाया जाए उसका बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, कैसे VGL सप्लाई को बनाया जाए। मैंने पहले तो AVDD VGH सप्लाई बना लिया है, और 3.3 तो बाक कन्वर्टर से हो जाएगा। VGL सप्लाई कैसे बनाया जाए उसका बारे में थोड़ा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी डीसी टू डीसी या स्क्लर बोर्ड पे ये जो सर्किट है इंस्टॉल करने से क्या क्या देना पड़ता है, AVDD, VGH, VGL और 3.3 वोल्ट देना पड़ता है। तो इधर AVDD,
VGH 3.3 वोल्ट के लिए इधर एक बाक कन्वर्टर जोड़ दिया है। तो मैंने कैसे किया, जो पहले जो बताया उसी हिसाब से मैंने जोड़ दिया है। तो इधर पैनल VCC जोड़ दिया है जो बाक कन्वर्टर का इनपुट में, और आउटपुट जो 3.3 वोल्ट है उधर से एक वायर लेके इधर जो EN सप्लाई है उधर मैंने जोड़ दिया है। इधर जो रेजिस्टेंस था, इधर जो EN के लिए जो रेजिस्टेंस था वो मैंने ओपन कर दिया, और जो DC to DC सप्लाई है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो भी दिखा रहा हूँ। तो देखिए इधर मैंने टच किया, इधर देखिए AVDT सप्लाई बन रहा है, और इधर देखिए VGH सप्लाई भी बन रहा है। तो 3.3 वोल्ट भी बन रहा है। सिर्फ एक सप्लाई बाकी है जो कि VGL। VGL मैंने कैसे बनाया, तो AVDD और VGH के लिए मैंने ये सर्किट बनाया था, और VGL के मैंने 2 4148 डायोड ले लिया है, इसी हिसाब से जोड़ के VGL सप्लाई मैंने बनाया है। तो जो 4148 का डायोड है इधर एनोड है, और कैथोड को एक साइड ग्राउंड किया, और इधर कैथोड और इधर एनोड दोनों का बीच में एक 1K का PF जोड़ दिया, और इधर VGL सप्लाई आउटपुट होगा। उसी हिसाब से मैं सर्किट बना के दिखा रहा हूँ कैसे VGL सप्लाई बनाया जाए। बनाने के लिए 2 4148 डायोड जोड़ दिया है, और इधर एक 1K PF जोड़ दिया है। तो किधर, इधर जो स्विचिंग पल्स है जो 7 नंबर पिन से आउटपुट हो रहा है स्विचिंग पल्स, इधर PF का एक पॉइंट जोड़ दिया है, दूसरा पॉइंट दोनों डायोड का बीच में मैंने जोड़ दिया है। इधर देखिए कैथोड इधर एनोड, और इधर कैथोड इधर एनोड दोनों का बीच में ये जो PF है वो मैंने जोड़ दिया है, और VGL सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो भी मीटर में दिखा रहा हूँ। देखिए पावर ऑन किया, और इधर देखिए, इधर देखिए -7.9 लगभग 8 वोल्ट ही दिखा रहा है, जो VGL सप्लाई है वो 8 वोल्ट दिखा रहा है। और VGL सप्लाई को कैसे कम किया जाए, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, उससे कम किया जाए कैसे किया जाए वो भी दिखा रहा हूँ। जो प्रीसेट मैंने यूज किया था वो प्रीसेट भी इधर इंस्टॉल करके घुमा के दिखा रहा हूँ, VGL सप्लाई कम ज़्यादा किया जाए कि नहीं जाए वो दिखा रहा हूँ। तो मैंने पहले जो प्रीसेट के लिए जो थ्योरी अप्लाई किया था, इधर भी वही सेम थ्योरी अप्लाई करके दिखा रहा हूँ VGL सप्लाई को कम ज़्यादा किया जाए। तो इधर मैंने प्रीसेट को जोड़ दिया है, पहले जो वीडियो था उसमें AVDD बनाने के लिए जैसे प्रीसेट को यूज किया था उसी हिसाब से मैंने जोड़ दिया है। देखिए प्रीसेट का एक पॉइंट इधर जोड़ दिया है, और प्रीसेट का दूसरा जो पॉइंट है उधर स्विचिंग पल्स के लिए जो PF है, PF का दूसरा पॉइंट इधर जोड़ दिया है, और प्रीसेट का जो मिडिल पॉइंट है उसमें डायोड का बीच में जो पॉइंट है उसके साथ जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद अभी वोल्टेज दिखा रहा हूँ जो VGL सप्लाई कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मीटर पे ध्यान दीजिए, उधर इधर जो प्रीसेट है प्रीसेट में घुमा के दिखा रहा हूँ, मीटर पे ध्यान दीजिए, घुमा रहा हूँ धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। देखिए VGL सप्लाई कम होते जा रहा है, धीरे जितना घुमा रहा हूँ उतना ही कम होते जा रहा है, देखिए कम होते जा रहा है। देखिए
वन वोल्ट माइनस वन वोल्ट हो गया, और उसके बाद वोल्टेज ज़्यादा कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, माइनस टू वोल्ट, माइनस थ्री वोल्ट, माइनस फोर वोल्ट, माइनस फाइव वोल्ट। इधर मैंने एडजस्ट किया, फाइव वोल्ट पे मैंने एडजस्ट किया, और उसके बाद कोई भी पैनल में VGL सप्लाई माइनस फाइव वोल्ट है तो उसमें इसी हिसाब से एडजस्ट करके रेजिस्टेंस देके भी फाइव वोल्ट माइनस फाइव वोल्ट फिक्स कर सकते हैं। तो पहले जैसे मैंने प्रीसेट को ओपन करके जैसे रेजिस्टेंस इंस्टॉल किया था उसी हिसाब से रेजिस्टेंस जोड़ के फिक्स्ड वोल्टेज आउटपुट कैसे किया जाए वो दिखा रहा हूँ। तो प्रीसेट को ओपन करना पड़ेगा, प्रीसेट का दोनों साइड का ओम्स मेजरमेंट करना होगा, इधर से इधर कितना ओम्स और ग्राउंड से इधर कितना ओम्स वो चेक करना होगा। चेक करने के बाद उसी हिसाब से रेजिस्टेंस जोड़ना होगा। तो जोड़ के दिखा रहा हूँ। तो इधर मैंने दोनों रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, एक देखिए 680 ओम्स का रेजिस्टेंस है और इधर 220 ओम्स का रेजिस्टेंस है, वो दोनों जोड़ दिया है। और रेजिस्टेंस का एक पास में पीएफ का एक पॉइंट जोड़ दिया है और दोनों डायोड का बीच में रेजिस्टेंस का दोनों पॉइंट जो था उसमें जोड़ दिया है, उसी हिसाब से जोड़ सकते हैं और VGA सप्लाई को फिक्स्ड कर सकते हैं। तो जो मान दिखा रहा था वो सेम मान का रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं था और दूसरा रेजिस्टेंस मैंने इधर एडजस्ट किया है। तो इसमें कितना वोल्ट आउटपुट हो रहा है देखिए, जो 8 वोल्ट का लगभग आउटपुट हो रहा था वो कितना वोल्ट आउटपुट हो रहा है वो देखिए, देखिए माइनस 6 वोल्ट दिखा रहा है। सेम टाइप का रेजिस्टेंस नहीं था इसलिए थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज दिख रहा है, माइनस फाइव वोल्ट नहीं दिखा रहा है, 6 वोल्ट दिखा रहा है। तो सेम मान का रेजिस्टेंस होगा तो सेम वोल्टेज ही आउटपुट होता, लेकिन मेरे पास सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं है इसका वजह से थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज दिखा रहा है। तो दोनों रेजिस्टेंस और पीएफ को कंप्लीट क्लियर करके जोड़ के दिखा रहा हूँ VGL सप्लाई आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिनिशिंग करके पहले जो एबीडीडी और VGH के लिए जो पीएफ रेजिस्टेंस फिनिशिंग करके जोड़ दिया है उसी हिसाब से VGL सप्लाई को भी जोड़ के दिखा रहा हूँ VGL सप्लाई आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर मैंने रेजिस्टेंस और दोनों डायोड और पीएफ को फिनिशिंग करके जोड़ दिया है और दिखाने के लिए इधर ग्राउंड के साथ जोड़ दिया था और इधर ग्राउंड भी है वो फिनिशिंग करने के लिए इधर भी जोड़ दिया है। तो पूरा कंप्लीट डीसी टू डीसी वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए इधर जो पॉइंट है वो एबीडीडी के लिए प्लस 17 वोल्ट दिखा रहा है और इधर जो है VGH के पॉइंट है 24.32 वोल्ट दिखा रहा है। VGL सप्लाई है और इधर जो है इधर जो पॉइंट है VGL सप्लाई है, इधर जो पॉइंट है VGL सप्लाई है वो VGL सप्लाई भी देखिए। तो तीनों सप्लाई बन गया एबीडीडी VGH VGL और 3.3 वोल्ट, ये चारों सप्लाई होना चाहिए जो 12 वोल्ट का पैनल होगा उसमें ये चारों टाइप का सप्लाई देना पड़ेगा। तो कम्प्लीटली चारों सप्लाई मैंने बना लिया है। तो ऐसे करके डीसी टू डीसी सप्लाई बना सकते हैं ड्राइवर सर्किट से, यूनिवर्सल ड्राइवर सर्किट से, और कोई भी 12 वोल्ट का पैनल में ये ड्राइवर सर्किट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और लाइक करने से क्या होगा, मेरा जो एक्स्ट्रा नॉलेज है जो यूट्यूब चैनल में शेयर कर रहा हूँ वो आपके पास
तुरंत पहुंच जाएगा। इसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।